Hello friends, welcome to Target and Goal. In this channel, I am teaching computer fundamental, and in this lecture I will teach about input devices. तो इस लेक्चर में हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले हमने सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा था. तो यदि अभी तक आपने वो चैनल नहीं देखे, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो लेक्चर भी आप देख लें. और इसके पहले भी हमने कई सारे लेक्चर बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसके बाद कंप्यूटर जनरेशन, ये सारा कुछ. और यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में. तो कंप्यूटर में जनरली दो तरह की इनपुट यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट. आईओ इनपुट मतलब आईओ यूनिट मतलब इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. तो इनपुट यूनिट में आखिर होता क्या है कि जब हम कोई भी निर्देश देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इनपुट यूनिट के माध्यम से ही लिया जाता है और प्रोसेस के लिए दिया जाता है. कंप्यूटर का यदि हम जनरली काम देखें तो सिर्फ इतना है कि यूजर के द्वारा इनपुट को लेना और उसको प्रोसेस करना, और देन आफ्टर जनरेट आउटपुट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन और अकॉर्डिंग टू यूजर, यूजर के हिसाब से आउटपुट जनरेट करना. कंप्यूटर का मात्र इतना ही काम है. तो जब भी हम कोई कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं तो उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं. तो वो जो आदेश देते हैं हम, तो वो किस तरह से देते हैं, वो इनपुट यूनिट के माध्यम से, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम देते हैं, और वो हमारा इनपुट एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके प्रोसेस के लिए आगे प्रक्रिया करता है. और प्रोसेस के बाद में जो वो आउटपुट जनरेट होता है, डेटा से जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, डेटा से जो इंफॉर्मेशन बनती है, उसको आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट के माध्यम से हमें वो प्राप्त हो जाती है. अब देखिए, जो इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइसों में जैसे कीबोर्ड, माउस, और इसके बाद अपना डिजिटाइंग टेबल है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं. इसके बाद ये ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ये सारे इनपुट जो हम पढ़ेंगे अभी. और आउटपुट में जो मॉनिटर है, अपना प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे. अब देखिए, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं. और इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करने वाले डिवाइसों में जैसे अपना हार्ड डिस्क ड्राइव. अब हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है. कैसे? मान लीजिए हम डेटा उसमें जब सेव करना चाहते हैं, तब वो क्या करती है कि डेटा को अपने में स्टोर करती है, तब वहां पे वो आउटपुट का काम कर रही है. लेकिन उससे अगर हम डेटा ले, मान लीजिए हमने कुछ डेटा वहां पे रखा है जिसको हम प्रोसेस करने के लिए देना चाहते हैं, तो हमने क्या करिए, उसको इनपुट की तरह उसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे उस डेटा को. इसी प्रकार से जो हमारा जैसे फ्लॉपी ड्राइव है, अब देखिए जो यूएसबी ड्राइव है ना, सीडी ड्राइव है, डीवी ड्राइव है, तो ये दोनों, ये सब जो डिवाइसेस है, ऐसे डिवाइसेस है ये जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं. जैसे मान लीजिए सीडी है, सीडी में हमने कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना के डाल रखा है जो मान लीजिए किसी का सहायक प्रोग्राम है, तो अगर हम उस प्रोग्राम को फाइनली रन करना चाहते हैं, तो उस सहायक प्रोग्राम को सीडी से हम लेंगे, तब यहाँ पे सीडी जो क्या है, इनपुट का काम कर रही है. लेकिन हम अगर कोई ये मैटर फाइनली आउटपुट जनरेट करके उस सीडी में स्टोर कर ले, या स्टोर करने का अगर काम करें, तो वो वहां पे किसका काम कर रही है, आउटपुट डिवाइस का, है ना, आउटपुट का काम कर रही है. तो इस प्रकार से हमारे जो डिवाइस है वो इनपुट और आउटपुट, और इनपुट आउटपुट दोनों तरह के हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो इनपुट है, देखिए, तो इनपुट हमारा कैरेक्टर के माध्यम से भी हो सकता है, फिगर के माध्यम से हो सकता है, टेक्स्ट के माध्यम से भी हो सकता है. और यहाँ पे जो इनपुट है वो मतलब ऑडियो, वीडियो और इन सब के माध्यम से हो सकता है. तो इस प्रकार से यदि हम देखें, तो यहाँ पे इनपुट एक तो वो हो गए जो ह्यूमन डाटा एंट्री का काम करते हैं, मतलब सीधे डाटा एंट्री उनसे की जाती है, उनसे सीधे हम पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं, ये सारा. इसके बाद देखिए सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस. सोर्स डेटा एंट्री, जैसे हमारे पास एक कोई डेटा हो, जैसे ऑडियो
एक हमारे पास डेटा है, हम सीधे उसको इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो हो गया अपना। इसके बाद में जैसे वीडियो हो गया, तो अब देखिए जैसे ऑडियो के लिए जो अपना ये स्पीच रिकॉग्निशन यूज करेंगे, और ये अगर वीडियो में है तो वीडियो के लिए जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया अपना, स्कैनर में हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया, फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, इसके बाद ऑप्टिकल स्कैनर, कुछ ऐसे स्कैनर जो ऑप्टिकल टाइप के होंगे जिनमें से OCR, OMR, MICR, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं ये कि ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, ऐसे डिवाइस जिनसे जो ह्यूमन है मतलब यूजर है वो सीधे सीधे क्या करता है, डेटा को एंट्री करता है। तो इस तरह के जो डिवाइस है उनमें से देखिए जो हमारा कीबोर्ड है, पहले कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। तो जनरली हम लोगों ने कीबोर्ड को देखा होगा कि उसमें कई सारी कीज होती हैं, है ना, जिससे हम डेटा टाइपिंग करते हैं या फिर जो और अन्य तरह के भी काम होते हैं वो सारा कुछ करते हैं। अब जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में जनरली 110 की या फिर ज्यादा की या फिर इससे कम की, मतलब ये जो 110 की है ये फिक्स नहीं है, उसमें ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती है कम हो सकती है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि आप यदि जिस भी तरह का कीबोर्ड उसमें लगा रहे हैं वो उसको एक्सेप्टेबल होगा। यदि आप किसी तरह के ज्यादा बड़े काम करना चाहते हैं तब आपका जो कीबोर्ड होगा उसमें ज्यादा कीज होगी, लेकिन जनरली जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसमें देखिए कौन कौन सी कीज होती है उसका यहाँ पे अगर हम देखें, तो देखिए टाइपिंग कीज, तो टाइपिंग कीज में मान लीजिए ए टू जेड और ये सब जो भी हमारे पास होता है, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक की नंबर वाली जो कीज होती है वो सारा कुछ होता है 1, 2, 3, 4, ये 0 to 9। इसके बाद फंक्शन की, फंक्शन की में देखिए क्या है कि जनरली फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती है, लेकिन किसी किसी कीबोर्ड में ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली F12 तक ही होती है। इसके बाद देखिए कंट्रोल की, कंट्रोल कीज में जैसे मान लीजिए कर्सर हो गया, है ना, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, इसके बाद कुछ और स्पेशल कीज होती है जिनमें से जैसे ये इंटर, शिफ्ट और ये स्पेशल कीज में भी आ जाती है, पेज डाउन, पेज अप, एंड, ESC, ये सारी जो कीज होती है स्पेशल कीज होती है। तो इस प्रकार से ये जो कीज है इस तरह से होती है। अब जनरली ये जो काम है ये काम करता कैसे है, कीबोर्ड में हम जब भी मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं और उस काम में अगर मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए इसमें ये फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे A to Z की होगी, है ना, ये फंक्शन की है ना, नंबर और फंक्शन की इस प्रकार से है, यहाँ पे नंबर कीज है, ये एरो कीज है डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे ये अपना शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, है ना, ये विंडोज की, ये सारा कुछ होता है। तो ये काम के बारे में कि आखिर इसकी वर्क प्रोसेस होती कैसे है, इसमें जो वर्किंग है वो किस तरह से है। तो देखिए जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो दरअसल 0 और 1 के रूप में काम करता है। यहाँ पे जो 0 है वो होता है मतलब कि जहां पे प्रेजेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पल्स की, और 1 जहां पे प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक पल्स की। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हम स्विच ऑन और ऑफ करते हैं इसी प्रकार से हमारा ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0, और इसी प्रकार से सिग्नल्स जनरेट होते हैं किसमें, हमारी की प्रेस करने पे। अब जब हम की प्रेस करते हैं तो ये जो सिग्नल जनरेट होता है तो कंप्यूटर के पास एक क्या होता है, कीबोर्ड कंट्रोलर होता है। तो कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है कि ये जो की से जो सिग्नल आ रहा होता है इसको वो कंप्यूटर को भेजता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये आखिर कौन सी की प्रेस की गई है और इसका पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर में काम क्या है। मान लीजिए मैं अगर किसी मान लीजिए वर्ड में काम कर रहा हूँ, एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं, तो एमएस वर्ड में इस की का काम क्या है। मान लीजिए मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा
तो ये एक सिग्नल जनरेट होगा, और ये सिग्नल जनरेट होके कहाँ जाएगा कि मतलब उसके कंट्रोलर में जाएगा। लेकिन कंट्रोलर मान लीजिए मैं कई की प्रेस कर रहा हूं, तो इसके लिए एक बफर क्रिएट होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक कीबोर्ड बफर क्रिएट करता है, और उसमें मैं जितनी कीज प्रेस करता जाता हूं उसकी एक क्यू बना लेता है, उसको बफर करके एक सेट से रख लेता है। फिर उस कंट्रोलर क्या करता है कि उस प्रेस किए हुए जो भी कीज हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सब कंप्यूटर को भेजता है। तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करके ये देखता है कि इसमें कौन सा की प्रेस किया गया है और उसका काम क्या है। जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल एस यदि मैं प्रेस करता हूं तो वो समझ जाता है कि इस मैटर को सेव करना है, तो इस प्रकार से वो काम करता है। और प्रत्येक सॉफ्टवेयर के लिए जो अपनी कीज है वो अलग अलग टाइप का काम करती है। तो इस प्रकार से अपना जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड काम करता है। तो यहाँ पे जो अपना बफर है वो कीज का जो स्टोक है उसको स्टोर करने के लिए, और आगे फिर उसको प्रोसेस होने के लिए ये काम होते हैं। तो ये था अपना कीबोर्ड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस जिनसे हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस में देखिए, इसमें हम क्लिक करेंगे जैसे, है ना, डबल क्लिक करेंगे ये सब। तो इसमें पहला हम देख रहे हैं माउस। देखिए जनरली अपन लोगों ने माउस देखा होगा जो हम यूज करते हैं, तो वो माउस है। अब इस माउस का जो काम है तो कैसा है, देखिए जब मान लीजिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, अभी देखिए ये जो आप कर्सर देख रहे होंगे तो ये भी क्या है, एक माउस का ही कर्सर है जो मैं एक साइड से दूसरे साइड मूव कर रहा हूं। और इससे क्या कर रहा हूं, देखिए मैं मैटर को नीचे ड्रैग भी कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट राइट ये सब कर रहा हूं, इसमें से क्लिक भी कर रहा हूं, तो क्लिक करने से भी इसकी जो फंक्शनिंग है वो हो रही है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब जो माउस होता है, तो माउस जनरली दो तरह के होते हैं, फिजिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। तो अब फिजिकल माउस प्रेजेंट टाइम में तो यूज नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन अब ऑप्टिकल माउस ही यूज किए जा रहे हैं। अब ये फिजिकल माउस होता क्या था, अगर आप माउस को जिसको आप प्रयोग कर रहे हैं यदि आप इसको उठा के देखें, तो जहां नीचे इसमें देखेंगे आप कि एक लेजर इसमें किरण है, लेजर एलईडी है, लेकिन इसी जगह पे यदि एक बॉल लगा दी जाए जो बॉल रोटेट करे एक तरफ से दूसरी तरफ, ऊपर से नीचे हर जगह रोटेट कर सके, तो उस तरह की बॉल लगा दी जाए और ऊपर उसी प्रकार से दो बटन हो, तो ये जो माउस बनेगा वो किस प्रकार का माउस बनेगा, फिजिकल माउस बनेगा। और ये फिजिकल माउस है जो, इस फिजिकल माउस का जो काम होगा वो क्या होगा कि मान लीजिए एक सरफेस है जिसमें डस्ट नहीं है, मतलब क्लीन सरफेस है, उस सरफेस में मैं राइट लेफ्ट अप डाउन जहां मतलब जिस साइड को भी मैं उस बॉल से उसको ले जाऊंगा इधर से उधर, वो क्या होगा कि माउस उसी साइड को मूव करेगा, माउस का जो कर्सर है वो उसी साइड को मूव करेगा। और मूव करने से फिर मैं जहां भी उसको क्लिक में करना चाहूंगा तो उस प्रकार से बटनों के हिसाब से वो क्लिक होगा। अब यहाँ पे दूसरा जो है अपना माउस वो है ऑप्टिकल माउस। देखिए फिजिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, फिजिकल माउस और ऑप्टिकल माउस में अंतर ये है कि जहां पे मैंने बताया कि इसमें नीचे अगर उठा के देखें आप इस माउस को, तो ये जो इसमें रेज निकल रही है, ये रेज क्या है, एक एलईडी बल्ब लगा है ना, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब लगा है, वो बल्ब क्या करता है, एक किरण रेज है ना वो नीचे की ओर प्रेषित करता है। और उस रेज से क्या होता है कि उससे वो जो डायरेक्शन है मूव की डायरेक्शन, मूवमेंट जिस हम डायरेक्शन को मूवमेंट उसका मूव कर रहे हैं वो उसको ट्रैक करता है, उसको सेंस करता है, तो उसी हिसाब से इसका जो कर्सर है वो मूव करता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं अभी ये अप डाउन ऊपर नीचे इसका कर्सर मूव कर रहा हूं, तो वो रेज है जो, वो रेज ही क्या कर रही है, अप और डाउन इसको सेंस करते हुए हो रहा है। इसके बाद देखिए ये जो इसका जनरेशन है ऑप्टिकल माउस, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में बनाया था, इजाद किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इस प्रकार से है। अब जनरली अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, तो जैसे हम माउस को अगर देखते हैं तो इसमें एक तो लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और बीच में एक व्हील होती है। अब यहाँ पे जो वैसे व्हील भी होती है, तो देखिए व्हील को एक तो हम
अप डाउन कोई भी मैटर को अप डाउन करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और इसमें एक वैसे अगर देखा जाए तो एक प्रेस भी होता है, व्हील को अगर आप प्रेस करें तो प्रेस भी हो गई। क्योंकि जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में अगर जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें इन सारे जो इवेंट्स हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। और इसमें प्रत्येक इसका मतलब प्रेस का या फिर डबल क्लिक का, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर कर्सर ले जाते हैं तो उसका, ये सारा जो होता है अलग अलग फंक्शनैलिटी पे हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो काम करता है वो तो कौन कौन से देखिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंटिंग का काम, पॉइंटिंग का काम मान लीजिए जैसे अभी मैं ये माउस है, ठीक है, ये माउस का कर्सर देखिए मैं पॉइंट कर रहा हूं इस पॉइंटिंग में, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा हूं ऊपर से, तो ये क्या है, ये पॉइंटिंग का काम हो गया। इसके बाद में देखिए लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक का मतलब ये है कि आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कहलाती है अपनी लेफ्ट क्लिक, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तब मोस्टली आप लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए राइट क्लिक, अभी देखिए अगर यहां पे देखिए मैं करता हूं लेफ्ट क्लिक तो ये देखिए ये क्या होगा, ये जो काम होना था देखिए, ठीक है, ये ड्रैग हो रहा है तो मैं लेफ्ट क्लिक से कर रहा हूं। इसके बाद मान लीजिए देखिए राइट क्लिक, अब देखिए मैं राइट क्लिक करता हूं, ये मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने से ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे इतने निकल के आ रहे हैं, है ना, ये पीडीएफ जो फाइल मैंने ओपन कर रखी है इसके हिसाब से देखिए प्रिंट, फाइंड, है ना, एक्सट्रैक्ट, गो टू, ये जो भी चीजें हैं ये सारी यहाँ पे खुल के आ रही है, तो ये मेरा राइट क्लिक पे हो रहा है। इसके बाद देखिए डबल क्लिक, क्या है कि अभी कंप्यूटर में जनरली आप यदि कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो मोस्टली क्या है कि डबल क्लिक पे, मतलब आप क्या करें राइट बटन को डबल टाइम क्लिक करते हैं तो वो कहलाता है डबल क्लिक। इसके बाद देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हैं एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह उसको ले जाना चाहते हैं तो वहां पे आप यूज कर लेते हैं ड्रैग एंड देखिए ड्रॉप। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको प्रेस किया, अब प्रेस करके ये देखिए मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हूं अभी, ठीक है, ये ड्रैग हो रहा है और इसके बाद ड्रॉप मतलब छोड़ दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ दिया, देखिए फिर, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया। तो ये इस प्रकार से इसकी जो फंक्शनैलिटी थी इस प्रकार से थी, मतलब माउस में हम क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें, डबल क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये माउस था। अब देखते हैं ट्रैक बॉल, तो देखिए जो ट्रैक बॉल होती है जनरली माउस की तरह ही होती है वो, अगर इस फिगर में देखें हम लोग इसमें, तो देखिए ये ट्रैक बॉल, इसके लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमें इसको नहीं घुमाना पड़ता, ये जो पूरा यहाँ पे ये डिवाइस है इसको नहीं हमें घुमाना पड़ता है, बल्कि यहाँ पे रखी हुई ये जो बॉल है, ये बॉल, इसी बॉल को हम क्या करते हैं ड्रैग करते हैं और इसी बॉल के डायरेक्शन से हमारा जो कर्सर है वो मूव करता है और यहाँ पे ये लगे हुए जो बटन है ये यहाँ पे क्लिक का काम करते हैं। तो हम एक जगह इस डिवाइस को रख लेंगे, फिर इसके बाद ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहां भी चाहे इसको ड्रैग कर सकते हैं और इससे काम कर सकते हैं। तो ये था अपना ट्रैक बॉल। इसके बाद देखते हैं जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक का मोस्टली यूज गेम के लिए किया जाता है, जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में हम जॉयस्टिक का मोस्टली यूज करते हैं। वहां पे जिस अगर मान लीजिए हम एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऊपर नीचे मतलब लेफ्ट राइट जहां भी इसको हम ड्रैग करना चाहें वहां पे हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये इसमें ये देखिए बटन भी लगे हैं, है ना, ये आपको जिस प्रकार से अगर लेफ्ट राइट ये जो भी है और ये देखिए ये बटन है और इसको आप पकड़ के इससे गेम खेलते हैं मोस्टली, तो ये है जॉयस्टिक। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, देखिए डिजिटाइंग टेबल। डिजिटाइंग टेबल मतलब कोई ऐसी टेबल होगी जो क्या होगी डिजिटल टाइप की होगी, जिसमें जो काम हो रहा होगा वो कैसा डिजिटल टाइप का हो रहा होगा। तो ये क्या होती है कि एक एक टेबल टाइप की होती है जिसका हम मोस्टली जो यूज है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए करते हैं। जब मान लीजिए हम कोई भी ग्राफ बनाना चाहें,
है ना, कोई भी बिल्डिंग का मैप बनाना चाहे या कोई अन्य तरह की अगर डिजाइन हम बनाना चाहे, तब वहां पे हम यूज करते हैं डिजिटाइंग टेबल का। डिजिटाइंग टेबल में जनरली एक टेबल होती है और एक इसमें पेन होता है, और वो जो पेन होता है वो जनरली जो पेन है वो अपने इसी साधारण पेन की तरह होता है, लेकिन उसमें जो जिस प्रकार से हमारे पेन में जो निब होती है उसमें निब की जगह एक ऐसी मतलब बॉल लगा होता है, ऐसा पॉइंट लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम करता है वो, तो इस प्रकार का वो इलेक्ट्रॉनिक हेड होता है। अब उसी इलेक्ट्रॉनिक हेड का क्या करते हैं हम कि यूज उसी सरफेस में करते हैं। जैसे ये देखिए यहां पे क्या है कि ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, और इस पेन का यूज क्या करते हैं हम कि इस पेन को पकड़ के इसके जो नोक है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक है चूंकि, और इस पूरे सरफेस में, इस पूरे सरफेस में हम जो भी डिजाइन बनाना चाहें तो इससे क्या करते हैं, बनाते हैं। तो वही डिजाइन जो हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो सेम वही डिजाइन ड्रैग होती है हमारे कंप्यूटर में। तो इसलिए हम इसका प्रयोग, मान लीजिए कहीं भी डिजाइन करना चाहते हैं, चीजें मैप बनाना चाहते हैं, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पिक डिवाइस। पिक डिवाइस कैसे कि हम सीधे सीधे स्क्रीन को सीधे सीधे पिक करें तो वहां पे पॉइंट करें, तो वो सारी चीजें अपनी पिक डिवाइस। जैसे देखिए लाइट पेन, लाइट पेन भी एक पेन की तरह ही होता है। जैसे अभी हमने जो डिजिटाइंग टेबल देखा, डिजिटाइंग टेबल में जो पेन होता है तो उस पेन का यूज हम उस टेबल पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट पेन का यूज हम सीधे सीधे स्क्रीन पे कर लेते हैं, और ये स्क्रीन पे ये जो पेन होता है ये लाइट सेंसिंग होता है, तो लाइट सेंसिंग के माध्यम से जो भी हम काम करते हैं तो वो सीधे सीधे स्क्रीन में किया जा सकता है, ये जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारा जो भी काम है ये लाइट पेन का है, ठीक है। इसके बाद देखिए टच स्क्रीन। जनरली इन दिस टाइम वी आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन एंड ईच एंड्रॉइड फोन विद टच स्क्रीन। तो अभी जो हम एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो वो सारे के सारे टच स्क्रीन से होते हैं। टच स्क्रीन क्या है, ये एक सेंसर इसमें लगा होता है जो टच को सेंस करता है और उस हिसाब से आगे की फंक्शनैलिटी को रन करता है। तो ये अपना एक टच स्क्रीन, जैसे मान लीजिए हम एटीएम में यूज हो रहे हैं इस समय, या फिर हम जनरली इस समय एंड्रॉइड फोन्स यूज कर रहे हैं, तो ये सारा टच स्क्रीन के माध्यम से काम हो रहा है। तो ये था टच स्क्रीन। तो इस प्रकार से हमने वो डिवाइसेस पढ़े जो डायरेक्टली ह्यूमन के माध्यम से यूज किए जाते हैं, या फिर डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्ट करके, इंटरेक्शन तो ह्यूमन का सोर्स डिवाइसेस में भी होता है, लेकिन वहां पे जो डेटा का इनपुट है वो, जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव से कोई डेटा डालना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो आप लगा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक एक बिट वहां पे इनपुट कर रहे हो, लेकिन इस ह्यूमन वाले में क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट एक एक बिट या एक एक करेक्टर इनपुट कर रहे होते हैं। तो ये थे ह्यूमन इनपुट वाले। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस क्या है, मतलब कि सीधे सीधे हम डेटा सोर्स है हमारे पास और सीधे सीधे उसको क्या कर दे, इनपुट कर दे। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, अगर हेल्प मिली हो तो दूसरे को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।